डी क्रूज का जन्म 1 नवंबर 1987 को माहिम मुंबई में एक कैथोलिक पिता और मुस्लिम माँ के यहाँ हुआ था। वह एक नास्तिक है। जब वह 10 साल की थी तब उनका परिवार पारा गोवा चला गया। उनका पहला मॉडलिंग पोर्टफोलियो जनवरी 2003 में बनाया गया था। डी क्रूज ने इसे आपदा कहा। बाद के फोटोशूट और रैंप शो ने अगले वर्ष एक दूसरे पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया जिसने इलेक्ट्रोलक्स, इमामी टेल्क और फेयर एंड लवली से उसके विज्ञापन उतारे। उत्तराद, विशेष रूप से, जिसे राकेश रोशन द्वारा निर्देशित किया गया था, ने उसे एक्सपोजर दिया और फीचर फिल्मों में अभिनय के लिए कई प्रस्ताव लाए। डी क्रूज ने 2014 में पुर्तगाली राष्ट्रीयता हासिल कर ली। 2017 में वर्वे के साथ एक साक्षात्कार में उसने दावा किया कि पुर्तगाल उसके वंश का एक हिस्सा था। वह ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर एंड्रू नीबोन के साथ रिश्ते में थी। यह अफवाह थी कि वे पहले ही शादी कर चुके थे। 28 अगस्त 2019 को भारतीय मीडिया ने ये खबर प्रसारित की कि युगल का संबंध टूट गया है। डी क्रूज ने 18 अप्रैल 2023 को पिता की पहचान गुप्त रखते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी पहली गर्भावस्था की घोषणा की, जबकि मीडिया ने अनुमान लगाया कि यह कैटरीना कैफ का भाई सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल हो सकता है, जिसे डी क्रूज लंबे समय से डेट कर रहे थे। 2005 में डी क्रूज को निर्देशक तेजा द्वारा ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन परियोजना रद्द कर दी गई थी। उन्होंने तेलुगु भाषा की रोमांस फिल्म देवदासु 2006 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जिसका निर्देशन YVS चौधरी ने किया था। फिल्म पर काम शुरू करने से पहले उन्होंने अरुणा भिक्षु के साथ अभिनय की कक्षाएं ली। वो याद करती हैं कि फिल्मांकन के दौरान उन्होंने दबाव महसूस किया लगभग रोई और आगे नहीं जाना चाहती, लेकिन उनकी माँ द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने के बाद आगे बढ़ी। उन्हें जीवन भर का व्याख्यान सुबह 3 बजे दिया। इंडिग्लिट्स की एक समीक्षा में कहा गया है कि उसने छेनी हुई विशेषताएं और मरने के लिए एक आंकड़ा है। देवदासु साल की पहली व्यावसायिक रूप से सफल तेलुगु फिल्म बन गई। अंततः लगभग 140 मिलियन की कमाई की। डी कमाई करते हुए क्रूज द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट। वो अगली बार गैंगस्टर फिल्म पोकेरी में दिखाई दी, जिसमें उसने एक एरोबिक्स शिक्षक की भूमिका निभाई, जिसे एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा परेशान किया जाता है। फिल्म एक उच्च वित्तीय सफलता थी, जो उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म के रूप में उभर रही थी। उन्होंने केडी 2006 में तमिल भाषा की फिल्म की शुरुआत की। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उद्धरण वांछित क्रूज उन्हें दी जाने वाली सभी फिल्म भूमिकाओं को स्वीकार करने में बहुत व्यस्त रही। उनकी तेलुगु फिल्म खतरानिक 2006, जिसमें उन्होंने रवि तेजा के साथ काम किया था, ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, जिसका श्रेय उनके ग्लैमरस रूप को दिया जाता है जो दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है। उद्धरण वांछित बाद में उन्होंने अपने करियर में एक सफलता का अनुभव किया, क्योंकि उनकी अगली रिलीज राखी 2006 और मुन्ना 2007 समीक्षकों और आर्थिक रूप से सफल साबित हुई। डी क्रूज 2007 की फिल्म आटा में दिखाई दिए। उद्धरण वांछित सत्या के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अनुकूल समीक्षा मिली। एक कॉलेज की छात्रा जो गृह मंत्री के कुटिल बेटे से भाग रही है, जिसके द्वारा उसे निशाना बनाया जाता है, जब वह एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है और मांग कर रही है अपने अपराधों के लिए सजा। 2008 में उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म जलसा में महिला प्रधान भूमिका निभाई। डी क्रूज को काफी हद तक सकारात्मक टिप्पणियां मिली, जिसमें आलोचकों ने कहा कि वह सुंदर, बेहद शांत और पूरी फिल्म में हर बिट ठाठ और तेजस्वी दिख रही थी, जबकि बाद में उन्हें संतोषम से सम्मानित किया गया। पुरस्कार जलसा के लिए 5 पुरस्कारों में से एक और साउथ स्कोप स्टाइल अवार्ड, इसके अलावा 56वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2009 में उनकी पहली रिलीज, जिसका नाम किक था, को भी बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया। उस साल सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उस वर्ष बाद में उन्होंने रेचिपो और YVS चौधरी की सलीम फिल्मों में अभिनय किया। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। LFW में इलियाना डिक्रूज डी क्रूज की 2011 में 2 रिलीज हुई। उस वर्ष उनकी पहली फिल्म शक्ति थी, जिसमें उन्होंने मुख्य महिला भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिल्म के प्रचार के हिस्से के रूप में जूनियर NTR के साथ इस फिल्म के ऑडियो रिलीज समारोह के लिए एक मंच प्रदर्शन दिया। सामाजिक फैंटेसी फिल्म 25 करोड़ रुपए में बनी अब तक की सबसे महंगी तेलुगु फिल्म। उनकी अगली रिलीज नेनू ना राक्षसी थी, जिसने पूरी जगन्नाथ के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित किया। हालांकि फिल्म असफल रही, लेकिन समीक्षकों द्वारा उनके प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से सराहा गया। एक इंडिग्लिट समीक्षक ने उसे फिल्म में सुखद आश्चर्य के रूप में वर्णित किया, क्योंकि वह रोई, मुस्कुराई, गर्म दिखी, सहानुभूति को पकड़ा और ऐसे चेहरे बनाए जो दृश्यों के लिए उपयुक्त थे।
जबकि सिनेगोआ के समीक्षक ने कहा कि फिल्म में एक उज्ज्वल स्थान एलियाना वह तेजस्वी दिखती है और नायक के लिए एक निपुण वरिष्ठ की तरह भी है।